हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और ये सेकंड ब्लॉग है मेरा, और इस ब्लॉग में जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं पर रिटर्न आ गए हैं। और भाई यहीं से स्टार्टिंग करेंगे और यहीं से फिर से मतलब चालू करेंगे ब्लॉग अपना नया। और आज भी दीपक भाई साथ में है मेरे। ट्यूशन का टाइम फिर से होने वाला है यार, लेकिन तो मैंने बोला कि चलते हैं इसी टाइम पर, क्योंकि और यार झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से यार, धूप बहुत तगड़ा है। और साथ में यार दूसरी चीज़ ये यार भाई कि अरे भैया कुछ बोलने वाला था आपको, मैं आज नहाया नहीं हूँ यार। सही बोलूँ तो मैं आज नहाया नहीं हूँ भाई, क्योंकि यार आज बहुत ठंडी बहुत ज़्यादा थी और आप देख सकते हो उसका इफ़ेक्ट भी। अब भी धूप निकला है तो मैं सोचा चला अब चलता हूँ ब्लॉग बनाने, और भाई बना रहा हूँ और देखते हैं कैसा बनता है। आज पूरा यहाँ का जंगल वंगल घुमाऊँगा आपको, उस साइड का भी दिखाऊँगा, उसके बाद चलेंगे अपने गाँव। और गाँव में जाने के बाद मैं थोड़ा इन्जॉय करेंगे और वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। चलो ऐसे तो चलते हैं देखते हैं। और भाई फिर से चलते हैं वहाँ पर। आज पता नहीं कैसे सोचिए ऐसा लग रहा है आया हूँ यार, नहाया नहीं हूँ साला, लेकिन चलते हैं ब्लॉग बना रहे हैं। आज सेकंड ब्लॉग है मेरा, और ये सब देख सकते हो आप यहाँ पर, धूप बहुत तगड़ा है। और चलते हैं जंगल की तरफ और वहीं पर दिखाते हैं आपको नया ब्लॉग जो आपको इंटरेस्ट हो। मतलब वैसे तो अच्छा बन रहा है भाई, उधर सब क्या है अभी कंपनियाँ चल रही है, नया नया कारखाने चल रहे हैं, आपको हो सकते तो दिखिए वहाँ पर, ये उस साइड वहीं पर मैं लेके चल रहा हूँ आपको। देखते हैं कि मतलब कैसे वहाँ पर हुआ, क्योंकि मैं अभी बहुत टाइम बाद गांव में आया हूँ, और बहुत बहुत टाइम के बाद में गांव में आया हूँ मैं यार। और ये शर्मा रहा है पीछे अभी भी यार, फर्स्ट ब्लॉग में भी यही हाल है, सेकंड ब्लॉग में भी यही हाल है, क्योंकि मेरे को भाई इंटरेस्ट में बनाता हूँ। ठीक है चलो, ये भाई अभी सड़क पर आए हैं कुछ टाइम के लिए, अभी वहाँ से आके सड़क पर पहुँचे हैं और बहुत दूर थे भाई, अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास। आपको हो सके तो गाड़ी दिखे, क्योंकि फ्रंट कैमरा इसमें है नहीं यार, बैक कैमरा, तो मैं इसी चल रहा हूँ उस पर। और देखते हैं अगर होगा तो ठीक है, तब जंगल के पास चलते हैं तो वहीं पर स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा आगे का कारनामा। और आप देख सकते हो यहाँ का सब कुछ, सड़क वड़क सब कुछ। चलो भाई चलो गाड़ी लेके चलते हैं। तो गाइस हम रिटर्न यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ मैं आपको बताया था थोड़ी दूर पर है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मिनट लगा होगा, और ज़्यादा टाइम था मैंने वीडियो काट दिया है। और चलते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ मेरा पुराना खंडर, ये मेरा पुराना खंडर भाई साहब। आइए इसके अंदर आपको दिखाता हूँ भाई साहब कैसे है ये खंडर। ये भाई साहब देखिए, इधर पहले भी कोई रहता था भाई, इतने जंगल में चोर और बहुत आते थे भाई, गाँव का तो सब सिस्टम आपको मालूम ही है, वैसे चोर और आते रहते हैं, दस चोर और बहुत आते थे, तो अभी सब बंद हो गया है और यहाँ पर कोई नहीं रहता होता भाई। लग रहा है कि सब गिर गिरा गया है। चलो वैसे आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको आगे कैसे क्या हो रहा है। वैसे तो भाई मैं पहले से, इनको लग रहा है थोड़ा सावला हो गया हूँ यार, थोड़ा चिंता हो रहा है कि नहीं दीपक भैया, कुछ सोच में पड़े हैं दीपक भैया। अरे भाई वो देखो भाई साहब, पीछे का पता नहीं यार, इसमें कैमरा वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, पीछे वाला कैमरा ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, लेकिन तो फिर भी मैं आ गया हूँ। इधर घूमता हूँ भी थोड़ा टाइम में स्पेंड हो जाएगा। इधर अभी कोई कोई रहता है यार, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कोई कोई है इधर, बट वैसे ज़्यादा कोई नहीं है इधर, ये तो होता तो मालूम पड़ता है। और वैसे भी मैं बहुत दिन के बाद, जब से वो पहला ब्लॉग बनाया तब से अभी तक आप भी आया हूँ, कम से कम आज 10-15 दिन के बाद, क्योंकि यार बहुत बोर हो गया था मैं सिटी में जा जा के यार, मेरा मन भी नहीं कर रहा था बाहर जाने का, और मैं नहीं चाहता था कि मतलब जाऊँ बाहर, पर मैं गया था 7-8 महीने के लिए, और अभी आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ब्लॉग बनाने में और मैं बनाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है भाई। और आप देख सकते हो पूरा, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यार, तेरी नजरों का ये सारा मैं हूँ, मेरे दिल का सहारा तू, मेरे दिल का सहारा।
फिर से इधर बैकग्राउंड वैकग्राउंड दिख रहा है आपको सब कुछ, इधर ही मैं आया हूँ। मैं अक्सर इधर यार गांव से आता हूँ, गांव में मतलब यहाँ पर आता हूँ तो मैं अक्सर यहाँ पर सब आते रहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा शांति का जगह। और मैं गांव में ज़्यादातर शांति के लिए आता हूँ यार, आप देख सकते हो मेरे चेहरे से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को शांति ज़्यादा अच्छा लगता है। बट यार अभी यहाँ का सब नेचुरल ग्लो मेरा जा रहा है यार, क्या बोलूँ अभी, कौन सा आप बताना कमेंट में कि कौन सा क्रीम व्रीम लगाऊँ। क्या इधर गाँव में आने के बाद सब कुछ वैसे ही हो जाता है, काले ही, पता नहीं क्यों यार, ठंडी है फिर भी ऐसा हो रहा है, जबकि मैं मन बहुत कर रहा था गांव में, गांव यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, और दीपक भाई भी आ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ पीछे से कैमरा करके। ये दीपक भाई भाई गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ कुदा रहे हैं साला, इधर सब खूंटी ऊँटी है, कहीं कुदा देंगे कट वट ना जाए यार। तो पहले से इसको रिपेयरिंग करना है, यही भाई यहाँ पर एक गाड़ी चलाता था, पूरा गाड़ी का मारा है। इससे पहले भाई एक अपाची थी और वो बेच दिया, क्योंकि उसमें तेल फ्यूल बहुत लगता था यार, और इस वजह से मैंने बेच दिया। मैं सोचा यही लेते हैं, क्या है इसमें एवरेज भी अच्छा है, और मेरा मन कर रहा था इसको चलाने का जब तक चला रहे थे भाई साहब। चलो गाइस, इस बार मैं वहाँ से गाड़ी लेके आता हूँ और देखता हूँ क्या मज़ा दीपक भाई ने उठाया, उस मज़े को मैं भी देखना चाहता हूँ, एक बार इंजॉय करना चाहता हूँ। और गाड़ी एक बार थोड़ा इसमें भी घुमा लेता हूँ, क्योंकि यार यहाँ फैलारा ज़्यादा है, यहाँ फैला हुआ जगह है, आप जान सकते हो, थोड़ा मज़ा आएगा। तो चलते हैं थोड़ा चला के देखते हैं कि कैसा मज़ा आता है, और दीपक भाई से चाबी लेते हैं और फिर से, क्योंकि दीपक भाई अपने फॉर्म में बैठे हुए हैं। और दीपक भाई चाबी दीजिए मुझे और चलते हैं अपनी एक बार फिर से राइडिंग की तरफ, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा चलाता ही नहीं हूँ यार। दो तीन गाड़ी मेरे पास, मेरे मतलब दो तीन गाड़ी थी, तो मैं चलाता रहता था इधर उधर, जब भी मेरा मन करता था मैं गाड़ी से ही घूमता था, लेकिन अभी मेरा मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों यार। मैं चले गया था थोड़ा टाइम के लिए, मैं आपको बताया ना मैं बाहर चले गया था, और अभी ऑटोमेटिक मेरा मन नहीं करता है अभी कुछ भी करने का यार, पता नहीं क्या हो गया साला। इसी वही मन करता है थोड़ा ऐसे घूम लूँ, आज सही बता रहा हूँ ठंडी की वजह से नहाया भी नहीं हूँ यार मैं। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी से घुमा के, थोड़ा मेरे को भी इंजॉय आ जाए यार, बोर हो जाता हूँ साला थोड़ा थोड़ा टाइम पर। गाइस चलते हैं थोड़ा आगे, और क्या है चप्पल की दुनिया, और वहाँ पर सब पत्थर ही पत्थर रहता था। मेरा बाल कट गया यार, बाल ये यार इस बार कटवा के आया है वहाँ से सैलून में, तो पता नहीं कैसे उसने काटा, मतलब थोड़ा और अच्छा बाल वाल, यहाँ गांव में उतना अच्छा बाल वाल कोई कट ही नहीं देता यार, शो का कुछ मैटर ही नहीं रखता ऐसा लगता है साला, पैसा कितना भी लेंगे वो ऐसे रखते हैं बाल वाल, आप देख सकते हो यार। दिखाओ भाई क्या गड़बड़ है उसमें, गड़बड़ क्या है बोलो, इधर बड़ा है ना वो, बड़ा है बोल रहा है तो उधर लंड देखा था मेरा उधर उधर यार काटने वाले की क्या गलती है इसमें, जब तुम देख ही नहीं रहते उसमें क्या गलती है यार, उसमें काटने वाले की क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, अब उसमें देखना चाहिए आपको, आपकी गलती है ना भाई साहब। लेकिन तो क्या है कि वो मैं भी कटाया था, तो ऐसा लगता है घाई में रहते हैं, और दो तीन जगह पर मैंने कटाया तो उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। और भाई मैं पैर नंगे पैर ही चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यार उधर सब फर्श पर चलते चलते मेरे को अच्छा नहीं लगता था वैसे भी, और यहाँ पर अभी धूप है और क्या है, कुछ टाइम के लिए निकला हूँ और धूप की वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। और आप देख सकते हो, दिख रहा होगा शायद आपको मेरा पैर, और दीपक भाई भी साथ में ही है। आओ पीछे क्यों रह गए भाई, आओ चलते हैं भाई साहब। भाई ये सेकंड ब्लॉग था मेरा, और देखते हैं इस ब्लॉग में क्या होता है, आगे आगे वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊँगा जो बनेगा जैसा, और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे आपको कहीं अलग लेके जाने के लिए, और इस बार चलते हैं तब तक के लिए, और क्या बोलूँ यार भाई, अगले बार हो सके तो मैं कहीं और लेके चलूँगा, आपने यहाँ तो सब कुछ देख ही लिया है और यहाँ पर सब दिखा ही दिया है मैंने, तो अगले बार देखते हैं। और क्योंकि गांव में तो ज़्यादातर भाई ऐसे ही सब रहेगा, और मैं सोचता हूँ कि कहीं और चलें घूमने के लिए, यहाँ थोड़ा और मज़ा वजा आए यार, क्योंकि अभी बहुत बाकी है घूमना टहरना, मेरा मन बहुत कर रहा है और मैं घूमूंगा, आपको भी दिखाते रहूँगा कि मैं किधर किधर जाऊँगा, क्योंकि इधर भी है कुछ कुछ जगह जहाँ पर बहुत मज़े आने वाले हैं। और अभी कुछ टाइम के लिए मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर सुकून ढूंढने के लिए से मतलब थोड़ा टाइम के लिए मैं आया था, और मैं सोचा बना के दे देता हूँ यही दूसरा सेकंड ब्लॉग ही, तब तक के लिए बाय भाई, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।